इतना परेशान होते थे कि कभी कभी सोचते थे कि मतलब अपने आप को ख़त्म ही कर लें। परिवार जी हमारे लाइफ में आए, उन्होंने हमें ये रिक्शा दिया। पहले बोलते थे बाई आ गई, और अब हमको मैडम बोलते हैं। मंदसौर की लक्ष्मी के दिन अब बदलने लगे हैं। सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक काम में खपकर बमुश्किल 5,000 कमाने वाली लक्ष्मी अब हर महीने इतना कमा लेती है कि बड़ा घर किराए पर लेकर अपने बच्चों को पूरे सम्मान के साथ पाल रही है। शादी के बाद ठोकरे खाने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटी ई रिक्शा के साथ। गनेडीवाल ट्रस्ट से मिली ई रिक्शा की चाबी किस्मत के दरवाजे खोलने वाली चाबी साबित हुई। कभी दो वक्त की रोटी के लिए तरसने वाली लक्ष्मी अब समय पर अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर पाती है, बड़ा घर किराए पर ले चुकी है और खाने के लिए किसी की दया की मोहताज नहीं है। मैंने झाड़ू पोछे, लोगों के घर में झाड़ू पोछे करने जाती थी, ऑफिस में जाती थी, उसके बाद वे घर पे 3 बजे तक आती थी, उसके बाद 4 बजे फिर वो अपने खाटू श्याम मंदिर में गार्ड की जॉब करने जाती थी। वहाँ से 10 बजे आने के बाद 2-3 अपने टेलर की दुकान है उनका काम ला के घर पे बैठ के रात को 1 बजे तक काम करती थी। मतलब एक टाइम ऐसा भी था कि मैं मतलब 3 दिन से भूखा सोना पड़ा था। मैं ठीक है, कभी कभी तो ये सोचते थे कि चलो कुछ नहीं रखा है जीवन में, बच्चे और अपन तीनों ख़त्म हो जाते। जैसे तैसे चलता रहा, फिर गनेडीवाल जी हमारे लाइफ में आए, उन्होंने हमें ये रिक्शा दिया और वहाँ रिक्शे की ट्रेनिंग मिली, हमको चलाना सिखाया, फिर रिक्शा मिला हमको, लाइसेंस वगैरह सभी उन्होंने ही करवाया। इस ट्रस्ट से जी वजह से मतलब रिक्शा मिलने के बाद हम अच्छे से कमाई करने लगे, हमारी कमाई में भी अच्छा मतलब वो होने लगा, और बच्चों की फीस जमा करना, घर का खर्चा जो भी है मतलब अच्छे से चल रहा है। ये हौसला मिला गनेडीवाल ट्रस्ट की मदद से, ये हिम्मत मिली उस ऑटो से जिसमें बैठते ही आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। ऑटो का एक्सीलरेटर घूमता है और लक्ष्मी का ई रिक्शा सड़क पर सरपट भागता नजर आता है। ई रिक्शा के पहियों की रफ्तार जिंदगी को आगे बढ़ने की रफ्तार दे रही है, जिसे अपने काम का न कोई डर है और न ही कोई झिझक है। गनेडीवाल ट्रस्ट न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि लक्ष्मी जैसी ही कई महिलाओं की जिंदगी का सहारा बनी है। ये ऐसा सहारा है जो साथ में सम्मान भी लेकर आया है। ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने दम पर अपना घर चला रही हैं। गनेडीवाल ट्रस्ट ने भी महिलाओं को सिर्फ ई रिक्शा देकर अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि जिन महिलाओं को ई रिक्शा दिया जा रहा है उसे सड़क पर चलाते समय उन्हें किसी बात की फिक्र न रहे। पहले इन महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद गनेडीवाल ट्रस्ट ने ही लाइसेंस दिलाने की कवायद भी पूरी करवाई। तो हमने शुरू में एक 20 महिलाओं के लिए चयन किया और ये कहा कि हम ई रिक्शा चलाएंगे, इनको देंगे और उनकी बराबर ट्रेनिंग दी। एक डेली मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रस्ट द्वारा क्रिएट किया गया है, जिससे उन जो उन महिलाओं के साथ एक संवाद होता है और उसकी वजह से अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो ट्रस्ट उस परेशानी को हल करने की भी कोशिश करती है। महीने में एक मीटिंग ट्रस्ट द्वारा इन सभी बहनों के साथ की जाती है, जहां पर अगर कोई भी उन्हें दिक्कत आ रही हो, ऑटो के मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, जिसमें महिंद्रा के ऑटो लिए थे और हम उनसे भी उनके सप्लायर को, उनके टेक्निकल लोगों को भी साथ में रखते हैं कि अगर महिलाओं को कोई भी ऑटो रिक्शा में दिक्कत आ रही हो तो उसका हल किया जा सके। तो ये ट्रस्ट द्वारा सिर्फ ऑटो रिक्शा दिया नहीं गया, उस ऑटो रिक्शा की और उन लोगों की बराबर एक मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि यह प्रोग्राम सक्सेसफुल हो
और जिस उद्देश्य से उनको ऑटो रिक्शा दिया गया है वो उद्देश्य पूरा हो। उंगलियों के इशारे पर घूमती ई रिक्शा की चाबी, जेब में ई रिक्शा का लाइसेंस, हाथ में वो हिम्मत कि इस ई रिक्शा को लेकर सड़क पर निकल सके और हर तरह की सवारियों को बिठा सके। हथेली पर ई रिक्शा की चाबी रखते हुए गनेड़ीवाल ट्रस्ट ने ये हौसला भी साथ में दिया है। चुनौतियाँ तो बहुत है, जैसे हम मार्केट में निकलते हैं तो बहुत सारे भाई रिक्शे वाले जो है अच्छे भी हैं, तो बहुत कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो वो हमें परेशान करते हैं, तो उनका भी सामना करना और उनको भी अच्छे से मतलब उनका व्यवहार भी देखना। इसके बाद बहुत सारे लोगों का मुझे सहयोग मिला। एक महिला चाहे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, लेकिन पुरुषों को ये बात खटकती है। लक्ष्मी को भी कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं की खातिर गनेड़ीवाल ट्रस्ट के ही कार्यकर्ताओं ने पुरुष चालकों को उनके हालात समझाए और महिला चालकों का काम आसान बनाया। एक पुरुष और महिला के अंदर हम आज भी सोसाइटी में भेदभाव बहुत करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये पुरुषों का क्षेत्र है या महिलाएं काम नहीं कर सकती। हमें ये भी प्रूव करना था कि महिलाएं आज के ज़माने में हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, कई क्षेत्र में पुरुषों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। रिक्शा वाले क्षेत्र में भी हम यही प्रूव करना चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों के समकक्ष या उनसे बेहतर ई रिक्शे का काम कर सकती हैं। ई रिक्शा मिलने के बाद लक्ष्मी अब दिन में सिर्फ 12 घंटे काम करती है और आय पहले से दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। चंद रोज पहले तक लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों के साथ छोटे से घर में रहती थी। सुबह 7 बजे घर से निकलती, कहीं झाड़ू पोछा तो कहीं गार्ड का काम करती, रात को कपड़े सी सी कर घर का खर्च निकालती। न खाने का ठिकाना था और न ही बच्चों की फीस और दो वक्त का खाना समय पर मिल पाने का भरोसा। इस मुश्किल दौर में गनेड़ीवाल ट्रस्ट से मिले ई रिक्शा उम्मीद की किरण बनकर आए। आय बढ़ी तो घर भी बड़ा लेने की हिम्मत आ गई। डबल शिफ्ट की मजबूरी खत्म हुई तो बच्चों के साथ बिताने के लिए वक्त भी मिलने लगा। कभी इसी लक्ष्मी को पति ने मंदसौर लाकर अकेला छोड़ दिया था। दो बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी लक्ष्मी। दिन रात पाई पाई जोड़ने के लिए पसीना बहाती, फिर भी गरीबी के दिन कटते नहीं। साल भर पहले मिले ई रिक्शा की वजह से अब उसकी आंखें उजले दिनों के सपने देखना सीख गई है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने के सपने जाग गए हैं और सम्मान की चमक चेहरे पर नजर आने लगी है। पहले एक झाड़ू पोछे वाली बाई के हिसाब से देखते थे कि ये काम करने वाली बाई है, और आज मैडम बोलते हैं, क्योंकि पहले मैडम नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे बाई आ गई और अब हमको मैडम बोलते हैं। तो गनेड़ीवाल जी की कृपा से हमको इज्जत भी मिली, सम्मान भी मिला और पैसा भी मिला। इस ई रिक्शा की बदौलत खुद पर विश्वास कायम है और इनके रिक्शा में सवार होने वालों को इन पर यकीन है। पुरुषों की इस दुनिया में लक्ष्मी जैसे ई रिक्शा चालक नियम कायदे और भरोसे की मिसाल बन रहे हैं। हमने पहली बार देखा किसी महिला को मतलब के ऑटो चलाते हुए, मतलब ऐसा अधिकतर ये काम पुरुषों का है मतलब, और यहाँ मतलब महिला को देख के, और हमने जो इतना कम किराया, जो कि मतलब दूसरा कोई ऑटो से हमने पूछा तो 50 रुपये बताया, लेकिन हमें इन्होंने 20 रुपये में बताया, मतलब इतना सस्ता किराया होते हुए, और इन्होंने यातायात के नियमों का भी बिल्कुल पालन करा, और कई ऑटो वाले बिल्कुल मतलब लापरवाही से चलाते हैं गाड़ी को। लेकिन ऐसा हर शहर में ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि महिलाओं को भी मतलब रोजगार मिल सके और सामाजिक सशक्तिकरण का भी मतलब आगे बढ़ावा मिलना चाहिए। लक्ष्मी जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो गनेड़ीवाल ट्रस्ट से मिली सौगात की बदौलत अपने दिन बेहतर बना रही हैं, जिंदगी बदल रही है और सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही हैं। गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट न सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है,
बल्कि मंदसौर के दिव्यांग जनों के लिए निशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाकर उनकी रुकी जिंदगी में रफ्तार ला रहा है।